अब हम देखते हैं कि हम एज को यूजिंग एम एस किस तरीके से काउंट कर सकते हैं आपके पास ये वर्क बुक में डाटा शो हो रहा जिसमें date है जिसमें डेट है डेट ऑफ बर्थ जिसको बोलते हैं आप और टुडे की डेट आ गई है कि आज जो डेट है डेट ऑफ बर्थ और आज की डेट के अकॉर्डिंग अब हमने एज चेक करनी है एज जो है वो काउंट करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो है इक्वल टू डेट इफ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ कॉमा आज की डेट कॉमा अब अगर आप इस डेट को इयर्स में चेक करना चाह रहे हैं तो यहां पे लिख देंगे डबल कोट्स वाई और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी एज जो है वो इयर्स में शो होगी अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी एज जो है वो मंथ्स में शो हो तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला है हमारे पास इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ कॉमा टू डेज डेट कॉमा डबल कोटेशन मार्क एम फॉर मंथ डबल कोटेशन मार्क ब्रैकेट क्लोज एंटर अब ये जो डेट है आपकी ये मंथ्स में कन्वर्ट हो गया आपको शो हो गए अगर आप चाहते हैं कि आपकी एज जो है वो डेज में शो हो तो क्या करेंगे अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो एज है वो डेज में शो हो तो क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ कॉमा टू डेज डेट कॉमा डबल कोटेशन मार्क्स डी डबल कोटेशन मार्क, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर तो ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है या आज की जो एज आज की डेट तक जो आपकी एज है वो आपकी इन फॉर्म ऑफ डेज शो हो जाएगी ये मेथड है जिसके जरिए से आप ईयर्स में मंथ्स में डेज में देखते हैं कि आ, लास्ट जो सेल है उसमें एज क्या है इक्वल्स टू इफ डेट ऑफ बर्थ टू डेज डेट कॉमा ईयर्स में ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे तो ये है वन ईयर ये जो एज है ये ईयर्स में कैलकुलेट की है ये वो मेथड है ये वो फंक्शन है जिसके जरिए से हम आज जो करंट डेट है और डेट ऑफ बर्थ जो है उसको यूज़ करते हुए हम आज के दिन तक जो एज होती है उसको काउंट कर सकते हैं